हेलो नमस्कार, मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। शायद आपको कई ऐसे वीडियोस मिले होंगे YouTube में, बट मैं आपको इस 2023 का एक नया नवेला वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आपके YouTube चैनल को ग्रो करने में, खास करके उनके लिए जो यूट्यूबर है या यूट्यूबर बनने का प्लानिंग में है, या वो यूट्यूबर है लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं सुमेर, मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। मैंने ये चैनल 2018 के नवंबर महीने में स्टार्ट किया था। ये 2023 है, अब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। 4.5 साल लग गए। हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है। इस बीच में तो जॉब में मैं काफी ज्यादा टाइम मेरा उसमें चला जाता था, रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। खैर, मेरा कुछ दिन पहले इसी महीने 2023 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाने के कारण मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अक्सर यूट्यूबर ये सोचते हैं कि वो 1, 2, 3, 4 वीडियो डाले और उसका वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके अगर चैनल में कोई 1, 2, 3 वीडियो लेके आप अगर सोच रहे कि कोई व्यूवर्स आपके चैनल में आएगा, तो आपके चैनल में आके उसको कितने वीडियोस मिलेंगे? 1, 2, 3 उसके पास रेंज नहीं है। जनरली वीडियोस का एक रेंज होना चाहिए आपके पास, वो रेंज उन व्यूवर्स को नहीं मिलते हैं। तो वेरी नेचुरल है कि आपका चैनल वैसा ग्रो नहीं होगा, आपके वो 1, 2, 3 वीडियो वायरल नहीं होंगे। आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस आपने अपलोड किए, शायद वो वायरल हो जाए, बट याद रखिएगा, या वायरल करवाने में आपने किसी दूसरे टूल का या दूसरे प्लेटफॉर्म का या कोई दूसरे यूट्यूबर का हेल्प लिया है, बट याद रखिएगा वो कंसिस्टेंट नहीं है। टिप नंबर 2, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो अपना, जैसे बोलते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग, ऐसा आपने देखा होगा, वो उसमें अपना एक सिंपैथेटिक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करते कि मैंने इससे पहले मेरा 2 चैनल था, मेरा 3 चैनल था, 4 चैनल था, लेकिन वो सब फेल हो गए, कोई तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, ये जो टैगलाइन वो थंबनेल में डाल के एक सिंपैथेटिक, एक विक्टिम कार्ड वो खेलते हैं, मैं वो सक्सेस नहीं हो पाया, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बहुत गलत बात है। शायद वो मोमेंटरीली उस चैनल में, मतलब आपके चैनल में शायद वो सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लेगा, बट वो ज्यादा दिन का नहीं है। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने चैनल में आप ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर लाएंगे, और लाने की आप कोशिश कीजिए। आप रैंडमली कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी टूल्स कहीं पर पेमेंट करके आप अगर सब्सक्राइबर जनरेट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि YouTube ये सब चीज को फॉलो करता है। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हो गया है पर उनको पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है। कारण उसका सिर्फ यही है, क्योंकि यूट्यूबर अपने एल्गोरिदम से वो ठीक निकाल लेता है कि कहां पर कौन से आईपी एड्रेस से किस तरीके से आपका सब्सक्राइबर बढ़ा है या आपका वीडियो वायरल हो रहा है। कोशिश कीजिएगा ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर का। जैसे मैंने 4, 4.5 साल मैंने वेट किया, मैंने अपना पेशेंस बिल्कुल भी लूज नहीं किया, और आज मेरा चैनल इस जनवरी 2023 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो 5-6 महीने में अगर आपका चैनल चला नहीं चला, उसके लिए आप वो चैनल बंद कर दिए, एक और नया चैनल लगा लिए, वो ये भी बोलते हैं कि 5-6 महीने में अगर नहीं चैनल चला तो आपका वीडियो, आपका वो यूट्यूब चैनल फेल हो गया, गलत बात है। बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आप सिर्फ वीडियो डालते जाइए, नेकी पर और दरिया में डाल, उसका रिजल्ट सबको आने वाले दिनों में मिलेगा। अब टिप नंबर 3, अक्सर जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर या क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं या यूट्यूबर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं दिन में 1 या 2 वीडियो मैं दे दूंगा, मैं हर दिन वीडियो डालूंगा, तो ये वो बहुत एनर्जेटिक दिखाते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे दिन जाते हैं, ग्रेजुअली वो उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। जब वो देखते हैं कि उनके चैनल में, उनके वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे, उनके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं आ रहे, तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाता है। वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप लूज मत कीजिए, वो एनर्जी आप बनाए रखिए। आप ऐसा कभी भी अपने आप को कमिट मत कीजिए कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा। आप हफ्ते में 1 वीडियो डालिए, आप 10 दिन में 1 वीडियो डालिए, आप हफ्ते में 2 वीडियो डालिए, लेकिन वो जो इंटरवल है, उस इंटरवल का कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना पड़ेगा। चौथा टिप, जब आप कंटेंट क्रिएट करने का सोच रहे, आपने एक नया चैनल खोल लिया है, फिर आप उसमें इक्विपमेंट्स खरीद रहे, फॉर एग्जाम्पल आप लाइट के लिए खरीद रहे, कैमरा हो गया, ट्राइपॉड हो गया, आपका और भी बहुत कुछ, आप जैसे
वॉल का डेकोरेशन कर रहा है, आपके बैग का डेकोरेशन कर रहा है, ऐसे आप बिल्कुल भी कदापि भी नहीं कीजिए। आपको आपके वीडियोस बनाने में सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन है आपका मोबाइल। आज के मोबाइल में, आज के डेट में जो भी मोबाइल मार्केट में है या आप अपने पास रखे हैं, वो मोबाइल कैमरा जबरदस्त है, आप उसी से कीजिए। मैंने उसी से किया था। माइक्रोफोन मेरे पास नहीं था, मोबाइल के साथ जो ईयरफोन आता है 150-175 रुपए का, मैं वो डिवाइस मैंने यूज किया। तो आप ईयरफोन अगर आप नहीं लेना चाह रहे, थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में जाना चाह रहे, तो बोया का आप 11 ईयर माइक लीजिएगा, ये 799-800 रुपए में आ जाएगा और आपका फोन बस इतना काफी है आपको अपना वीडियो शूट करने के लिए। इससे ज्यादा आप खर्चा बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि ये खर्चा आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा, खासकर तब जब आपके वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ रिलीजिंग योर वीडियोस, और उसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, वीडियोस आप रेगुलर इंटरवल में डालिएगा। हर चौथे दिन में डालेंगे तो वैसे कीजिए, हर पांचवें दिन में डालेंगे तो वैसे कीजिए, हफ्ते में एक वीडियो डालेंगे तो वैसे कीजिए, हफ्ते में या 10 दिन में एक वीडियो डालेंगे तो आप वैसे कीजिए। आप बिल्कुल भी उस रूटीन को चेंज मत कीजिएगा, एक डिसिप्लिन बनाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम, जिस टाइम आप वीडियो को रिलीज कर रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे शुरू में ऐसा होता था कि मैं रात को ऑफिस, दिन भर ऑफिस करके फिर मैं वीडियोस बनाने बैठा, रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे एडिट करके फिर मैं अपलोड करता। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे किया और वो मैंने बहुत सारे गलतियां किया, एक के बाद एक वो गलतियों को मैं आपको भी सुधारना चाह रहा हूँ। आप सबसे अच्छा टाइम आप जो वीडियो रिलीज करेंगे वो है सुबह का 8 बजे। उस एक पर्टिकुलर डेट में सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक या 12 बजे तक इतना लंबा एक स्पैन मिलता है। वही अगर आप रात 11-12 बजे करते हैं तो आपका डे 12 बजे के बाद घूम जाता है। जब वो घूम गया तो उसका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो दिमाग में रखिएगा, सुबह 8 बजे इज द आइडियल टाइम टू रिलीज योर वीडियो। अब छठा जो टिप है वो ये है कि आप अक्सर कोई ना कोई बड़े यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस्ड होके आपने प्लान बना लिया, मूड बना लिया कि मैं अब एक यूट्यूबर बनूंगा। आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं, वो किस टाइम में बात कर रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे प्रेजेंटेशन करता है, उसके कॉन्टेंट क्या है, उसका बोलने का स्टाइल क्या है, ये सब चीजें जो आप करते हैं बहुत बड़ा गलती कर रहा है। बी यू, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। यूट्यूब चाहता है या जो व्यूवर्स वो भी चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही आप रहिए। अभी ये मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी एक स्टाइल में आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, आप भी वैसे एंट्री ले रहे हैं तो आपका मजाक उड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बी यू, आप अपने स्टाइल में रहिए। जैसे भी स्टाइल है, आप गाँव के हैं, आप देहात में रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, आपका आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, हिंदी बोलना है हिंदी में बिल्कुल बोलिए, परफेक्ट है, या आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप परफेक्शन है, आप उसी में बोलिए। वो आपका खुद का है, वो आपका खुद का पर्सनैलिटी है। आप कभी भी ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी आप लेके मत आइएगा कि यार मैं गांव का हूँ, मेरे को कौन कैसा करेगा, मैं उसका कॉपी करता हूँ, शायद मैं ग्रो करूंगा। बिल्कुल गलत, आप अपने जैसा, आप जैसे हैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, वैसे ही आप अपने वीडियोस को प्रेजेंट करेंगे। सातवां पॉइंट, अब आपने अपना चैनल क्रिएट कर लिया। चैनल क्रिएट करने के बाद अब आप 2-3 वीडियोस देखे थक जा रहे हैं, 5 वीडियोस दिए, 10 वीडियोस दिए, थक गया, मेरे पास व्यूअर्स नहीं आ रहे, मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने पिछले फर्स्ट या सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप एक रेंज ऑफ वीडियोस डालिए। उस रेंज ऑफ वीडियोस में आप क्वालिटी पे ज्यादा मत जाइए, आप क्वांटिटी पे जाइए। सबसे पहला पॉइंट आप उसी में क्वांटिटी पे जाइए, कितने नंबर ऑफ वीडियोस आप पब्लिश करेंगे आप उसके ऊपर जाइए। जब आप दिख रहे हैं अब आपके पास व्यूज आ रहा है, अब सब्सक्राइबर्स आ रहा है, नाउ यू मूव टू क्वालिटी। अब आप उसमें एडिटिंग कीजिए, उसमें उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसका वॉइस कैसे होगा, उसका लाइटिंग कैसे होगा, अब आप उसमें फोकस कीजिए। ये एक सक्सेसफुल यूट्यूबर का रूल है, थंब रूल है, बड़े यूट्यूबर्स का भी वही है, मैंने भी उसी चीज को, उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। आठवां पॉइंट, आप अपने चैनल पे फोकस कीजिए। आप शायद वर्किंग प्रोफेशनल है, या तो आप स्टूडेंट है, या तो आप हाउसवाइफ है, या तो आप बिजनेस पे है, कीजिए आप बिजनेस। लेकिन जब आप YouTube में कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका 100% डेडिकेशन, फोकस्ड होना चाहिए आपके कंटेंट पर। उसे मेहनत की जरूरत पड़ती है। मेहनत मतलब मैं आपको फिजिकल मेहनत की बात नहीं कर रहा, यहाँ आपको पूरा दिमाग लगेगा, वो दिमाग पूरा आपका फोकस्ड होना चाहिए आपके कंटेंट पर। आपका वीडियोस आप कैसे
प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, व्यूअर्स को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, फोकस उसमें होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपना नौकरी छोड़ के आप यूट्यूब कॉन्टेंट में ही पूरा दिन मशगूल रहिए, मैं वो भी नहीं बोलूंगा। आप एक टाइम, अगेन मैं जैसे बताया, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका जो टाइम है प्रोफेशनल का, या आप हाउसवाइफ है या तो आप बिजनेस वाले, आप वो टाइम को अलग कीजिए। एक अलग से टाइम आप निकाल लीजिए अपने खुद के लिए। आप दिन के एक घंटे भी निकाल लेते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो उस एक घंटे में आप अपने YouTube का कंटेंट तैयार कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को हैम्पर मत कीजिएगा, नहीं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप अगर कोई कॉन्टेंट बना रहे हैं उसमें आपका 100% फोकस होना चाहिए, कंसेंट्रेशन होना चाहिए। अब नाइन्थ पॉइंट जो है वो है, आप एक्सपीरियंस लीजिए वीडियो पब्लिश करने का। एक्सपीरियंस लीजिए मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि कुकिंग के ऊपर अपने वीडियोस बनाया, वीडियोस आपको मजा नहीं आया, वैसे उतने रीच नहीं हो रहे, व्यूज उतने नहीं हो रहे, अब आप मूव कीजिए, आप हाउसकीपिंग में चले जाइए, या तो आप कार में चले जाइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या तो आप टेक्निकल इसमें चले जाइए, या तो आप सॉफ्टवेयर में चले जाइए, या तो आप कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, या तो प्लम्बर में आ जाइए, तो आप इलेक्ट्रिकल, मतलब आप यू गो ऑन इन्वेंटिंग और डिस्कवरिंग न्यू टॉपिक्स। उस टॉपिक को जब आप रिलीज कर रहे हैं उसमें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके व्यूज किसमें जा रहा है। जिसमें भी आपका व्यूज आएगा तो आप समझ लीजिए कि वैसे टॉपिक ही है आपके पास जिसमें आपका वीडियो हिट होने वाला है। आपका फोकस फिनेंस में है लेकिन आप चले गए ऑटोमोबाइल में, आप चले गए ट्रेवलिंग में, बिल्कुल मत कीजिए। आपका फिनेंस में है तो फिनेंस में आपका एक अच्छा नॉलेज है तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप वैसा ही करेंगे। जिस चीज में हमारी मास्टरी होती है, जिस चीज को हम जानते हैं, आप उसी चीज के ऊपर अपना कॉन्टेंट बनाइए। आपका मास्टरी जिसमें है उसी में आपका कॉन्फिडेंस होगा और यही कॉन्फिडेंस व्यूअर्स देखना चाहता है। 10th टिप जो है वो है पेशेंस। आप पेशेंस बिल्कुल ही लूज नहीं करेंगे। 4.5 साल लग गए मुझे अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने में। पेशेंस, कहीं भी आपका अगर डगमगा जाता है तो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो पानी में चला जाए। फ्रस्ट्रेशन मत लाइएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं 6 महीने में अगर आपका चैनल चल रहा है, अगर सक्सेस हो गया तो आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस हो जाएगा। गलत बात है। ऑलवेज ट्राई टू कलेक्ट ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स। ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो आपके साथ हमेशा चिपके रहेंगे, आपके हर वीडियोस को वो बहुत चाव से देखेंगे, व्यूज आपका बढ़ेगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ग्रो करेगा। कभी भी, अगर मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कीजिए। किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जैसे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में जस्ट एक आपको एक आइडिया दिया था कि बड़े यूट्यूबर जैसे बहुत सारे हैं जो मोटिवेशन के नाम पे यूट्यूब वीडियोस में मोटिवेटर है, वो उस नाम से वो बोलते कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको बताएंगे ये टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने उनके कुछ वीडियोस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं करते। मैंने उनमें से एक को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं करते, क्योंकि मेरा चैनल तो मोनेटाइजेशन के करीब था इसलिए वो मुझे एंटरटेन नहीं किया। वो उनको करता है जो ठगे रहते हैं, उनके पास जाके वो एक मसीहा बनने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि ऐसे मेरे पास सब्सक्राइबर्स आए, मेरे व्यूज बढ़े, देखो मैं इसका मसीहा हूं, मैं रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आप जो है वो एकदम परफेक्ट, उसमें और कितना परफेक्शन आएगा ये आपको डिसाइड करना है। आप अपने वीडियोस को रिलीज कीजिए, व्यूज देखिए, जिसमें जिस चैनल में जिस टॉपिक पे आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं वो ही आपका टॉपिक है। आप उसी टॉपिक को आगे बढ़ाइए, उसी को एक्सप्लोर कीजिए। आशा करता हूं मैं आपको बहुत कुछ, काफी कुछ हेल्प कर पाया, काफी इंफॉर्मेशन आपको देने में मैं सक्षम हुआ हूं। मैं जस्ट एक प्रयास किया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको शायद हेल्प करने की कोशिश कर पाऊंगा। और जाते जाते आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अक्सर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बहुत मेहनत होता है ऐसे कॉन्टेंट लेके आपके पास आने का, तो आप अगर वो सब्सक्राइब करते तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है, मुझे बूस्ट हो जाता है। अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा, जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में क्वालिफाई कर लिए हैं तो उनका चैनल अब मोनेटाइजेशन में जा रहा है, तो वो कैसे करना है, वो स्टेप्स क्या है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जितना हो सके उतना जुड़िए। मैं आपको काफी कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा लाइव एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए, फिर मिलते हैं अगले ऐसे किसी एपिसोड पर। दिस इज सुबीर साइनिंग।